ये सिटी को मतलब कि मैंने अभी नेट पे चेक किया है, ये सिक्स्थ पूरी मतलब कि इंडिया की सबसे सिक्स्थ क्लीनर सिटी है। और आप देख सकते हो बॉक्सेस नहीं है, जो इनविटेशन आते थे राजाओं को बुलाने के लिए, तो वो इनविटेशन है ये। हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। अभी मैं हूँ बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन KSR में। आप देख सकते हो ये पीछे रेलवे स्टेशन है, और अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ मैसूर। आज है 26 अगस्त। आपको मैं रेलवे स्टेशन ट्रेन जर्नी सिर्फ 145 रुपये की टिकट हुई है, यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता है। मैसूर जो है दुनिया लाइक इंडिया की शायद सेकंड क्लीनेस्ट सिटी है, और काफ़ी कुछ घूमने को भी है। बेंगलोर की सीरीज आज ख़त्म हो गई, बेंगलोर में ज़्यादा कुछ नहीं था घूमने को, लेकिन यहाँ का मौसम अच्छा। आप मेरी जैकेट पहन कर मतलब ये स्वेटर जैसी पहनी हुई है मैंने, तो इसका मतलब अभी भी ठंड है यहाँ पर। आज 26 अगस्त है, और नॉर्थ साइड में आज भी इतनी ज़्यादा गर्मी है अगस्त के महीने में, और यहाँ पर बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। मौसम इस बेंगलोर सिटी का सबसे बेस्ट है। ये देखो बेंगलुरु का रेलवे स्टेशन ऐसा दिखता है। ये देखो भाई, आप देख सकते हो काफी ट्रेन खड़ी है यहाँ पर इस स्टेशन पे। काफ़ी बड़ा स्टेशन है, 15-20 ट्रेनें तो अभी तक खड़ी होगी स्टेशन पे। और मेरे को जाना है स्टेशन नंबर 8 पे, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे, स्टेशन नंबर 8 पे नहीं। काफ़ी दूर से आया हूँ मैं इतना बड़ा भारी सामान उठाकर, और अभी जाना है। मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे था, अभी जाना है मेरे को 8वें नंबर पे, और 8वें नंबर से अपनी ट्रेन चलेगी 11:15 पे। अपने वाला प्लेटफॉर्म इतना अच्छा नहीं लग रहा, देखो इनमें दोनों ऑप्शन बने हुए हैं। ये देखो भाई, ये मेरी ट्रेन है, S9 बॉक्स है ये। मेरे को S1 में जाना है, 2 नंबर सीट है मेरी। काफ़ी पीछे तक है, देखो अभी तो मैं S9 पे पहुंचा हूँ, देख सकते हो आप। S1 में है मेरी टिकट। ये देखो अभी ट्रेन खाली है, ट्रेन के अंदर मैं बैठ गया हूँ, और अभी मैं अकेला ही बैठा हूँ। मेरी ये 2 नंबर सीट है बीच वाली, लेकिन मैं इसी पे बैठ गया क्योंकि 2.5 घंटे का तो सफ़र है, इतने में मैं निकल जाऊँगा। और अभी ट्रेन चलेगी 11:15 बजे, अभी 10:52 हुए हैं, तो है 15-20 मिनट, आराम से चलेगी, अपने को कोई दिक्कत जल्दी नहीं है। अब मैंने हॉस्टल बुक करवा रखा है मैसूर के अंदर, वहीं पर रुकेंगे हॉस्टल में जाकर। आपको हॉस्टल वगैरह मैसूर की सभी चीज़ें दिखाएँगे। ये देखो भाई, मैसूर का स्टेशन ऐसा दिखता है, काफ़ी सुंदर है यार सच में। जैसी उम्मीद थी मेरे को मैसूर से वैसा ही है। हर जगह आपको पता है तिरंगा तो लगा ही होता है अपने इंडिया में। ये देखो यहाँ पर आई लव मैसूर लिखा हुआ है, ये स्टेशन है मैसूर का पूरा। चलो अभी बाहर चलते हैं, और मैं चलता हूँ मेरे हॉस्टल। मेरे हॉस्टल का नाम है जोस्टल, और वहाँ चलेंगे। ये जो दीवार दिख रही है ये काफ़ी सुंदर बना रखी है इन्होंने। इस दीवार पे जो जो चीज़ यहाँ पर घूमने की है वो बना रखा है शायद। ये देखो काफ़ी साफ सुथरा है, काफ़ी साफ सफाई भी है यहाँ पर। अभी मैं जा रहा हूँ मेरे बस स्टॉप पे, वहाँ से बस लूँगा। यहाँ से मेरा हॉस्टल 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। मैसूर सिटी में एंटर करते ही मतलब कि अलग सी वाइब है यार, जैसे ओल्ड स्टाइल सिटी नहीं होती, पुराने स्टाइल वाली सिटी, और साफ़ सुथरी काफ़ी है। मज़े आ रहे हैं पूरे पैदल चलने में भी। देखो पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा है इस सिटी में, आप देख सकते हो, और देखो रोड वगैरह आपको साफ़ सुथरी मिलेगी। बेंगलोर से अच्छी लगी मेरे को सिटी, फर्स्ट इम्प्रेशन अगर मैं आपको बताऊं
अभी तो एंट्री किया, आगे आगे आपको दिखाएंगे और देखते हैं यहाँ का बस सिस्टम कैसा है। बेंगलोर का बस सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा था, अभी पता नहीं यहाँ का कैसा है। ये देखो मेरे को उस बस स्टेशन पे आते आते बस मिल गई थी, यहाँ पर मैं उतर गया हूँ आकाशवाणी। यहाँ से मेरा हॉस्टल 4 मिनट की वॉक पे है। और ये देखो यहाँ पर साइकिल स्टैंड भी, आप चाहो तो साइकिल वो ले सकते हो रेंट पे, जैसे कि इलेक्ट्रिक साइकिल मिलती है ना वैसे ही। तो अभी चलते हैं हॉस्टल जल्दी से, फिर आपको दिखाएंगे मैसूर सिटी। ये देखो अभी मैं मेरे हॉस्टल से बाहर निकल गया हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले खाना खाते हैं, काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, सुबह से कुछ नहीं खाया। और फिर मैं आपको मेरा हॉस्टल दिखाऊंगा। हॉस्टल में मैंने चेक इन वगैरह बैग वगैरह छोड़ दिया। ये देखो ये सिटी को, मतलब कि मैंने अभी नेट पे चेक किया है, ये सिक्स्थ पूरी, मतलब कि इंडिया की सबसे सिक्स्थ क्लीनर सिटी है। और आप देख सकते हो, और चंडीगढ़ से भी ज़्यादा क्लीन बता रहे हैं इसको, चंडीगढ़ के कंपेरिजन में तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन जो भी दिखाते हैं गलत दिखाते हैं। यहाँ पर एक डोसा प्लेस है, वहाँ पर जाकर पता करते हैं क्या कुछ मिलेगा यहाँ पर खाने को। अभी मैं हूँ मैसूर पैलेस के अंदर, मेरे पीछे है, अभी यहाँ से सामने से टिकट मिलेगी, अभी अंदर चलेंगे। आज पहला दिन है मैं बाहर निकला हूँ मेरे हॉस्टल से कुछ वीडियो बनाने के लिए। पिछले 2 दिन से मैं हॉस्टल में ही था, कुछ नहीं किया मैंने, क्योंकि थोड़ा मैं रेस्ट कर रहा था और थोड़ा मेरे को काम भी था, इसीलिए यहाँ से टिकट लेते हैं। 100 रुपये की टिकट है अडल्ट के लिए, चिल्ड्रन के लिए 50 और स्टूडेंट के लिए 30 रुपये। तो चलो यहाँ से टिकट ले लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। ये देखो ये फर्स्ट लुक है मैसूर पैलेस का, यहाँ से हमने एंट्री करी। एंट्री करते ही सामने आपको ये मंदिर दिखेगा और इसके सामने यहाँ से पैलेस दिखेगा। अभी यहाँ से एंट्री लेते हैं अंदर, और ये जो टिकट है, टिकट मिलती है यहाँ पर। इस साइड से एंट्री होगी महल की, इधर से एग्जिट है, इधर से वापस लोग आ रहे हैं। अभी अंदर चलते हैं पहले, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि गेट बंद होने वाला है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई शॉप भी दिखेगी जहाँ पर आप कुछ सामान वगैरह ख़रीद सकते हो। चलो चलते हैं अंदर। ये देखो यहाँ पर एक शॉप है, और इसमें ये मैग्नेट ख़रीदी है मैंने मैसूर पैलेस की, 150 रुपये की एक दी है। ये देखो यहाँ पर कुछ पुराने स्टाइल वाले तोप रखे हुए हैं, आप देख सकते हो, और यहाँ से एंट्री हो रही है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, आप देख सकते हो, आज संडे है ना इसलिए। ये देख सकते हो कितना पुराना पत्थर और कितना सुंदर दिख रहा है, कितने साल हो गए इस पैलेस को। कितना सुंदर है यार अंदर से, देखो आप एक बार। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से दिखाने की। लोग सभी जगह फोटोज वगैरह ले रहे हैं। ये देखो ये पुराने स्टाइल वाले अभी तक पंखे लगे हुए हैं, लाइटें देखो और पत्थर देखो आप। सच में यार बहुत ज़्यादा सुंदर है ये कलर और पत्थर। यहाँ पर अंदर जा नहीं सकते, यहाँ पर ये देखो बैरिकेडिंग लगा रखी है इन्होंने, इससे आगे कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ सिक्योरिटी के लोग हैं। चारों तरफ से आप इसको देख सकते हो, और यहाँ पर फोटो खींचने के लिए भीड़ देखो कितना है। ये देखो आप गेट का डिज़ाइन देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है पुराने स्टाइल का, और यहाँ पर ना ये पेंटिंग्स लगी हुई है देख सकते हो आप, और ये मतलब कि पुराने टाइम की पेंटिंग है, और कितने अच्छे से किया हुआ है देखो आप। पेंटिंग ऐसा लगेगा आपको जैसे कि 3D पेंटिंग हो, बिल्कुल हाथ से किया हुआ काम है ये।
और ये लकड़ी का काम देखो इसके ऊपर, पैलेस बहुत ज़्यादा सुंदर है, मुझे बहुत ज़्यादा। ये देखो ये मिडल एरिया है इसका, और ये फ्लोर पे देखो ये पुराने टाइम की जो टाइल लगी हुई है ना, अभी तक टाइल टूटी नहीं है, और आज के जब टाइम में अपा जो भी टाइल लगा लें तभी के तभी टूट जाती है कुछ सालों में ही। ऊपर अगर जाने दिया तो ऊपर से काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, पता नहीं वहाँ क्या है। और छत के ऊपर देखो ग्लास लगा हुआ है, और कितनी ऊंची ऊंची छतें हुआ करती थी उस टाइम की। देखो गैलरी बॉक्सेज नहीं है, जो इनविटेशन आते थे राजाओं को बुलाने के लिए, तो वो इनविटेशन है, ये ऐसे इनविटेशन हुआ करते थे। देखो बॉक्सेज देखो आप कितने बड़े बड़े और कितने सुंदर, देखो वहाँ पर देखो ऐसे लग रहा है कि कोई बड़ी सी ट्रॉफी हो। ये फिर से हम इधर से घूमकर दोबारा सेंटर में आ गए हैं, और सेंटर देखो सच में यार मैं मतलब जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा। ये देखो पुराने टाइम का एक शीशा, और यहाँ पर देखो ये जो चेयर है ये सिल्वर से बनी हुई है, ये वाली भी, और ये वाली सिल्वर की नहीं है, ये कांच की है, वो भी कांच की, और ये दोनों चेयर बड़े वाली ये सिल्वर की बनी हुई है, देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी हुआ। ये देख रहे हो सामने कार खड़ी है, ये उन्हीं की है जो राजा महाराजाओं के मतलब बेटे वगैरह या फिर उनके रिलेटिव्स आज भी ज़िंदा हैं तो उनका जो परिवार है उनकी गाड़ियाँ हैं। देखो तीनों गाड़ियों के आगे ये जो लोगो लगा हुआ है, और उनके राजा की फ़ोटो भी लगी हुई है तीनों गाड़ियों के शीशे के ऊपर, कैमरे में आपको नहीं दिख रहा काफ़ी ज़्यादा दूर है। ये जगह पहले तैयार किए जाते थे सैनिक, यहाँ पर लड़ाई मतलब कि वो राजा देखते थे सैनिक कौन सा अच्छा सैनिक है, फिर राजा पास करते थे ऐसा मुझे बताया है, मतलब कि दो सैनिक यहाँ पर लड़ते थे और फिर राजा उनको देखते थे कि कौन सा अच्छा है फिर उनको पास करते थे। देखो क्या ज़बरदस्त जगह है यार। ये जो आप स्टैचू देख रहे हो वो है कृष्ण राजा वाद्यार का, और इन्होंने ये पैलेस बनवाया था, यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हो। और इस महल में ना इतने सारे गेट है, वो घड़ी देखो पुराने टाइम की, और इतने कमरे गेट सभी बंद पड़े हैं सभी। ये देखो एक इधर है ये भी बंद है, सामने से देखो कितना सुंदर दिख रहा है पैलेस। ओह देखो यार कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है यहाँ से पैलेस। ये जो कलर है ना ब्लू कलर, लाइटिंग और सब कितना परफेक्ट पड़ा है कितने सालों से। क्या क्या दिखाएं आपको सच में यार, हर चीज़ दिखाने वाली है, हर चीज़ देखते जाओ आप। देखो क्या क्या दिखाएं आपको, क्या सुंदर पैलेस है, आर्ट भरी पड़ी है इस पैलेस के अंदर आर्ट। आज के टाइम में तो ऐसा काम कोई मेरे को लगता ही नहीं कोई कर भी पाएगा। ये देखो हर पैलेस की तरह आपको यहाँ पर भी हाथी मिलेंगे, और यही पैसों में राइड करना वैसे सही नहीं है, ये लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं इन एनिमल को, आप देख सकते हो इनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। पैसों के लिए एनिमल को यूज़ करना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कभी भी ये राइड लेना कभी भी प्रेफर नहीं करता बिल्कुल भी नहीं। इनकी हालत बहुत ख़राब है, इनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है एनिमल्स को, कभी आप देखना किस तरह इनको मार मार कर ऐसा सिखाते हैं। ये देखो पैरों में देखो कितनी मोटी संकल डाल रखी है, देख सकते हैं।
अभी हम बाहर आ गए हैं। पहले से यहाँ पर हमने शूज जमा करवाए थे और यहाँ पर ही वापस ले लेते हैं शूज। ये देखो भाई, रात को मैसूर पैलेस ऐसा दिखता है। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर, और इस साइड आप देखोगे तो मेन गेट है, और क्लाउड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता है। लाइट इन्होंने ऑन कर दी है, और उस साइड देखो क्या ज़बरदस्त सीन है। मतलब सच में इतना सुंदर नज़ारा मैंने नहीं देखा होगा, मतलब कि इतना बड़ा पैलेस और खुला डुल्ला, मतलब कि क्या बताऊँ आपको, वर्ड्स नहीं है मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए। व्यू देखो यहाँ से, लाइटिंग के साथ अलग ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। देखो आप, मैंने काफ़ी देर यहाँ पर एक घंटा वेट किया, इस लाइटिंग का टाइम लैप्स भी बनाए हैं, वो आप देखना वीडियो में, आपको आ जाएगा फुल मज़ा। ये देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सारी लाइट जो है ऑन हो चुकी है। ये गेट है और पैलेस देखना आप अभी। ये देखो क्या ज़बरदस्त लग रहा है पैलेस, लाइटिंग सारी टोटली लाइट ऑन हो चुकी है, दोनों साइड देख सकते हैं। इधर मंदिर पे भी लाइटिंग है, सभी जगह पीछे भी लाइटिंग है। ये इधर गेट है बिल्कुल सामने, इधर भी लाइटिंग चारों तरफ। बस अभी जस्ट 2 मिनट पहले लाइट ऑन हुई है, अभी थोड़ी देर मैं रुकता हूँ, लाइटिंग इंजॉय करता हूँ और फिर चलते हैं। लो भाई, आखिरी बार पैलेस देख लो, मैसूर पैलेस। और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है 7:30 बजे, तो वो देख रहे हैं मेरे को, इसीलिए 7:15 हो चुके हैं। हॉस्टल में चलते हैं वापस, और आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा पैलेस दिखा दिया, देख सकते हो आप। काफ़ी सुंदर था पैलेस, काफ़ी ज़्यादा सुंदर, मतलब कि मस्ट विजिट प्लेस है मैसूर सिटी के अंदर। और बाकी चीज़ें भी आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आई है तो ये वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।